देश में कोरोना वायरस का कहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर से कोरोना ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों से जो तस्वीर सामने आई है वो डराने वाली है। यहाँ करीब 6 दिनों में 300 से अधिक बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है कि तीसरी लहर ने दस्तक देना भी शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में एक तरफ जहां पाबंदियों को खोलना जारी है तो कुछ जगहों पर नए मामलों की बढ़ती संख्या चिंता बढ़ा रही है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में ऐसे ही नतीजे दिखे हैं। यहाँ करीब 6 दिनों में 300 से अधिक बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर का ये आंकड़ा राज्य में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है। बेंगलुरु प्रशासन द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उनमें 0 से 9 साल के करीब 127 और 10 से 19 साल के करीब 174 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। यह आंकड़ा 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच का है। इसके अलावा यदि अन्य जिलों की भी बात करें तो यहां भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल खोले गए थे और यहां भी कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद 22 अगस्त तक फिर से स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में अभी भी करीब 4 लाख कोरोना के एक्टिव केस है। जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वो सबके लिए चिंताजनक है। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।